हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जहां हम सीखने वाले हैं कि किसी भी नंबर पे मैसेज अगर करना हो हमें व्हाट्सएप पे, तो बिना नंबर सेव किए हम कर तो सकते नहीं है। हमें पहले क्या होता था कि हमको नंबर सेव करना पड़ता था, उसके बाद में हमको उस नंबर पे मैसेज करना पड़ता था, अपने चैट लिस्ट में जाकर उस नंबर को सर्च करना पड़ता था, उसके बाद ही हम उस नंबर पे मैसेज कर सकते थे। लेकिन अब व्हाट्सएप ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसके द्वारा हम किसी भी नंबर को बिना सेव किए अपने व्हाट्सएप के चैट लिस्ट से उस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो पहले, हाँ मुझे पता है कोई कोई लोग ये बोलेगा कि इसको तो किसी थर्ड पार्टी के एप्लीकेशन से भी हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी का एप्लीकेशन यूज़ करना कितना सेफ है ये आपको बेहतर पता है। अपने प्राइवेसी को हम रिस्क पे कभी नहीं ले सकते। मैं तो ये कभी आपको नहीं सिखाऊंगा कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करके आप कुछ भी कीजिए, क्योंकि सारा डेटा आपका वो थर्ड पार्टी ऑपरेट कर सकता है। कोई कोई वीडियो में मैं दिखा देता हूँ, अगर आप चाहते हो तो उस तरह का एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो जो कि इजी होता है। लेकिन आज मैं जो वीडियो बनाने आपको सिखाने वाला हूँ वो भी बहुत इजी है, एक बार के लिए आपको थोड़ा सा वो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, बाद में आपको वो कंटिन्यू आपके मोबाइल में रह जाएगा और आप कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पीसी से भी कर सकते हैं एक चीज़, और आपके मोबाइल से किसी एक फ्रेंड का मोबाइल भी ले लीजिए और वो प्रोसेस को, आपके पास पीसी नहीं है तो वो प्रोसेस आप उसके फ्रेंड के मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको पीसी के कोई भी वेब ब्राउज़र से ब्राउज करना है, वहाँ पे आपको टाइप करना है whatsapp.web। ठीक है, आप यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं सर्च ऑप्शन में, वहाँ पर आपको टाइप करना है। तो हम टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद में आपको एंटर प्रेस करना है। हमारा टाइप हो गया, अब एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद में देखिए आपको सबसे पहला ऑप्शन व्हाट्सएप वेब, जिस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में एक और पेज खुल जाएगा जिसमें आपको व्हाट्सएप का जो स्कैन करने का बारकोड मिलेगा। ठीक है, ये बारकोड को आपको मोबाइल से स्कैन करना है, आपको मोबाइल में जाना होगा। पहले सबसे पहले मोबाइल में हम जाते हैं, मोबाइल में अपना व्हाट्सएप ओपन करते हैं। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद में ऊपर देखिए थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद लिंक डिवाइस पर क्लिक करना है। उसके बाद में एक नया पेज ओपन होगा, यहाँ पर भी लिंक का डिवाइस पे ओपन करना है। आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरा और ओपन होने के बाद पीसी पे जो बारकोड दिख रहा है उसको सामने लेके जाइए, वो खुद ब खुद स्कैन होने के बाद में लोड ले लेगा। अब चलते हैं पीसी पे। पीसी पे कुछ तरह का इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जब वो स्कैनिंग आपके मोबाइल से होने लगेगा। अब मोबाइल को साइड में रख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये ऑप्टिमाइज हो रहा है आपका व्हाट्सएप को अपने पीसी पे, पीसी के वेब पेज पर ला रहा है। ठीक है, थोड़ा देर वेट करने के बाद में इस तरह का आपका व्हाट्सएप आपके पीसी में खुल जाएगा। अब यहाँ से भी आप चैट कर सकते हैं, जैसे कि आपको पहले से पता होगा। जिन लोगों को पता नहीं होगा कि पीसी में किस तरह से खोला जाता है तो हमने उसको बता दिया। अब यहाँ पर न्यू पेज खोल लीजिए। पेज खोलने के बाद में ये जो लिंक आपको दिख रहा है ये आपको टाइप करना है। तो चलिए टाइप करते हैं https://wame/+91। +91 हमारा इंडिया का कोड है, आपका कंट्री का कोड देना है जो भी कंट्री में आप हैं। तो फिलहाल हम इंडिया में हैं तो इंडिया का कोड हम यहाँ पे टाइप करते हैं +91। +91 देने के बाद में आपको वो मोबाइल नंबर देना है जिस पे आपको बिना नंबर सेव किए ही चैट करना है। तो वो नंबर हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, जो भी नंबर हो, जिस पे भी आपको जो नंबर सेव नहीं करना है मोबाइल में अब, लेकिन उससे चैट करना है, तो वो नंबर यहाँ पे टाइप कर दीजिए। एक ही एक बार में एक नंबर। उसके बाद में एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पर आपको कंटिन्यू टू चैट में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में एक और पेज ओपन होगा, ये लोड लेगा अभी, हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में जो पेज ओपन होता है ये इस तरह का डाउनलोड और व्हाट्सएप वेब दिखाएगा। तो डाउनलोड ऑलरेडी मोबाइल में है, व्हाट्सएप वेब पे क्लिक करते हैं, यूज़ व्हाट्सएप वेब। क्लिक करने के बाद में अब देखिए वो जो नंबर है उस नंबर के अगेंस्ट में एक चैट पेज खुल जाएगा। अब यहाँ से आप, चलिए मैं क्लोज व्यू दिखाता हूँ, यहाँ पर ये नंबर आ गया। अब इसके नीचे में आप
चैट कर सकते हैं। तो एक बार के लिए आपको यहाँ से एक कोई भी रैंडम मैसेज देना, हाय लिख के भेजिए, हेलो लिख के भेजिए, कुछ भी भेज दीजिए। जब भी आप यहाँ से कुछ भी एक मैसेज टाइप कर दोगे तो ये क्या होगा, आपके व्हाट्सएप के लिस्ट में ये नंबर सेव रहेगा। आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में नहीं रहेगा लेकिन व्हाट्सएप के लिस्ट में सेव रहेगा, चैट लिस्ट में। तो हम यहाँ पे कोई भी एक मैसेज टाइप कर देते हैं। टाइप करने के बाद में हम यहाँ से जब सेंड करते हैं तो सेंड करने के बाद में ये नंबर आपको आपके मोबाइल के व्हाट्सएप में भी मिलेगा। उसके बाद आप कहीं पे भी कोई भी पीसी में लॉगिन कीजिए तो भी दिखेगा, आप कोई भी मोबाइल में लॉगिन कीजिए तो भी आपको ये चैट नंबर दिखेगा। अब इस नंबर को आप बिना सेव किए, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, मैंने सेव नहीं किया, सेव किया हुआ था तो कोई तो नाम दिखाता, लेकिन नंबर दिखा रहा है, ऊपर में भी नंबर दिखा रहा है, मोबाइल में दिखाता हूँ, मोबाइल में भी देखिए यहाँ पे नंबर दिखा रहा है, नाम नहीं दिखा रहा है। मैंने जो मैसेज सेंड किया वो मोबाइल में भी आ चुका है। अब यहाँ से आप कुछ भी मैसेज भेज सकते हैं, भेजने के बाद में वो उसके पास भी वो नंबर आ जाएगा, तो वो बिना सेव किए भी आप चाहे तो आपको भेज सकेगा। पहले होता था ये थर्ड पार्टी के द्वारा मैसेज करके अपने प्राइवेसी को हम रिस्क पे लेते थे, पर अब यहाँ से कर सकते। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।